अल्लाम वरम्तल वबरक़ तुफ़ाया मदद बसमन रही मसली अतिमा व अबी हा वल व बबनी हा वमुस्तफ़ी हा, हा बदद मा अब ही व मा आाह किताबुख ला सई माँ बक़ैम पवर अज्जल तरजरीफ़ करबरा मिला त बहुत बड़ी अतः है हमारे ऊपर करबलाई मौला एक मुल्क का एक शहर नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम इंसानियतम वक़ार का दारुल दारकूमत है कर्बलाए मौला मिला मौला तमाम इंसानियत को अकल व शुरूर हया वैरत दीनों पासदारी और पाकबाजी सिखाता है करबलाए मौला में मौजूद हैं आप सबके लिए दुआ हैं खुदा बंद मताल आप सब को जल्द करबलाए मौला में आकर हदय अक़ीदत पेश करने का शरफ अता फरमाए पीर का दिन है पीर का दिन दो सरदारों इमाम हसन मुशतबा और इमाम हुसैन सैदुल सलाम का दिन हुआ करता है आज के दिन हम इन दो आयमा ताहरीन आसम की मेहमान नवाजी में रहे और आज चार जमातानी चौदह सौ हिजरी कमरी है और 18 दिसंबर 2023 हज़ार तेईस है हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर तेरह सौ उनसठ बारगाहीकदस अल बैतुम में हृदय करने लगे हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन जिक्र बैत बैतुम के लिए नसीब फ़रमाया यकीन हर दिन हर लाजा अहल बैतुम असल्लाम के सबब से और बैत अहबैम के लिए है हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं और इसी मौजू को हम अल्लाह ताला से तलब करेंगे कि अल्लाह ताला हमें ज़िक्र बैतु माम की नेमत अता फ़रमाए रखे तोहद किबरिया की ज़रूरत बतूल हैं तोद किबरिया की ज़रूरत बतूल है रहमत के आसमान पे रहमत बतूल हैं क़ुरान में है आए तत भी गवाह, कुरान में है आए तत हर बी इसमत शरफ़ है मरक़ इसमत बतूल हैं महवर वो नमा का वही शान हल अता महवर वो नमा का वही शान हल अता कौसर गवाह खास इनायत बतूल हैं मेराज में मिला है जो तोहफा हबीब को मेराज में मिला है जो तहफा हबीब को वहदत वह की शान और वो इज्ज़त बतूल हैं जिनकी कनीज मरियमो हवा व आसिया जिनकी कनीज मरियमो हवा व आसिया वो मालिका वो आली फजीलत बतूल है अल्लाह का हिजाब है परदे की आबरू अल्लाह का हिजाब है पर्दे की आब रू कौनों मकाम मरकज इफ़त बतूल हैं फातिर खुदा ने खुद ही रखा नाम फातिमा फातिर खुदा ने खुद ही रखा नाम फातिमा बख्शिश को मातमी की जमानत बतूल है हजत कोलम्बिया पे आइम्मा है बाुदा हजत कोलम्बिया पे आइम्मा है बाुदा और सारी हुज्जतों पे भी हुज्जत बतूल हैं अहसन खुदा ने साहिब लौलाख से कहा अहसन खुदा ने साहिब लौलाख से कहा सारी हकीक़तों की हकीकत बतूल हैं सारी हकीकतों की हकीकत बतूल हैं है। और एहलेत अस्लम के शहर के अंदर और अहल बैतलह इसलम की बारगाह के अंदर तुछ अल्लाह ने हमें ज़िक्र की जो नेमत अता फरमाई है उसका हक ये है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र को ज़माने में आम करें जनाब मरूफ़ शायर सैयद रईस अहमद जो के मुतखलिस हैं रईस अहमद मुखलिस हैं खैरपुर से उन्होंने शेर लिखे हैं कुछ वो आपके हुजूर बयान करने लगा हूँ उम्मत से अजर पाए खदीजा की लाडली उम्मत से अजर पाए खदीजा की लाडली सहती है जुल्म हाय खदीजा की लाडली एक दूजे से लाइन कहें उठ उठे मत कोई एक दूजे से लाइन कहें उठे मत कोई दरबार में जब आए खदीजा की लाडली ऐसा करो सुलूक ना पहचाने बच्चे भी ऐसा करो सुलूक ना पहचाने बच्चे भी वापस ये घर जो जाए खदीजा की लाडली तहरीर की बखेरी गई थी वो तहरीर की बखेरी गई थी वो टुकड़े पड़े उठाए खदीजा की लाडली दर के तले ये दब गई मोहसिन हुआ शहीद दर के तले ये दब गई महसिन हुआ शहीद करती थी हाय हाय खदीजा की लाडली ज़ख्मी है हाथ पहलू भी मौला अमीर से जख्मी है हाथ पहलू भी मौला अमीर से हर जख्म है छुपाए खदीजा की लाडली जैनब से बोले गाजी को कहना मेरा सलाम जैनब से बोले गाजी को कहना मेरा सलाम जब पेरा बनाए, खदीजा की लाडली सर चेहरा हाथ पहलू ज़यीफ़ी कमर झुकी सर चेहरा हाथ पहलू ज़यीफ़ी कमर झुकी बाबा को दुख सुनाए खदीजा की लाडली आए फुलँ फुलाना जनाजे में या अली आए फुलाँ फुलाना जनाजे में या अली खुर्शीद सब बताए खदीजा की लाडली खुर्शीद सब बताए खदीजा की लाडली फिर बीबी सैदार के लिए शगुफ्ता दिलशाह का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ उम्मत ने बाद मुस्तफा कैसा सिला दिया उम्मत ने बाद मुस्तफा कैसा सिला दिया घर फातिमा का आग से आकर जला दिया उम्मत ने बाद मुस्तफा कैसा सिला दिया घर फातिमा का आग से आकर जला दिया बिनते नबी को आज ये क्या दिन दिखा दिया मोहसिन शहीद हो गए दर यूं गिरा दिया बिखरी जमी पे आए अल अमां बिखरी जमी पे आए ततहिर अलमां जख्मों से चूर चूर है तफसीर अलमां शोलों के दरमियान वो बेटी नबी की थी शोलों के दरमियान वो बेटी नबी की थी कीजे मदद अली सदा गूंजी किसी की थी तस्वीर बिनते मुस्तफ़ा है बेकसी की थी तस्वीर बिनते मुस्तफ़ा है बेकसी की थी फिजा बचाओ ये सदा जोजे अली की थी हसनैन रो रहे थे कि मादर पे क्या हुआ हसनैन रो रहे थे कि मादर ये क्या हुआ तरखून से है आपकी चादर ये क्या हुआ बच्चों से जख्म अपने छुपाती थी फातिमा बच्चों से जख्म अपने छुपाती थी फ़ातिमा फिजा को अपने दर्द सुनाती थी फ़ातिमा फ़रश गम रसूल बिछाती थी फ़ातिमा फ़र्श गम रसूल बिछाती थी फ़ातिमा आँखों से अपने अश्क बहाती थी फ़ातिमा बाद आपके है या नबी कैसी सज़ा मिली बाद के है या नबी कैसी सज़ा मिली उम्मत से फ़ातिमा को मिली तो जफा मिली बाबा के बाद बैन ये बस फातिमा के थे बाबा के बाद बैन ये बस फातिमा के थे बादाप के ये दिन सभी जोरो जफा के थे दुश्मन ये उम्मती फ़कत अहले किसा के थे दुश्मन ये उम्मती फ़कत अहले किसा के थे मुश्किल बहुत ये दिन सभी मुश्किल कुशा के थे ना था जवाब दे कोई उनके सलाम का ना था कोई दे, ना था था कोई कोई जवाब जवाब दे दे उनके सलाम का होता था मुंतजिर कुआं उनके कलाम का सामान मौत का मेरी उम्मत ने कर दिया सामान मौत का मेरी उम्मत ने कर दिया दामन को बाबा बस मेरे अशकों से भर दिया मोहसिन को मार कर मुझे दर्द जिगर दिया मोहसिन को मार कर मुझे दर्द जिगर दिया किस बात का ये फातिमा को है समर दिया जख्मी गमों की कैसे आज़ाद हो गई जख्मी गमों की कैद से आजाद हो गई रुखसत जहाँ से आज वो दिलशाद हो गई रुखसत जहाँ से आज वो दिलशाद हो गई कभी होता था दर्दों का कभी होता था दरुदों का दुआओं का हुजूम कभी होता था दरुदों का दुआओं का हुजूम इसी चौखट पे हुआ हरजा सराई का हुजूम कभी होता था दर्दों का दुआओं का हुजूम इसी चौखट पे हुआ हरजा सराओं का हुजूम हाय वो इसमत कुबरा की हवेली वो हरम हाय वो इसमत कुबरा की हवेली वो हरम और दरवाजे पे कुछ कहना खताओं का हुजूम और दरवाजे पे कुछ कोहना ख़ताओं का हुजूम, भूल कर सूर हुजरात के अहकाम आया भूल कर सूरह हुजरात के अहकाम आया सहन आयात में कुछ तलख नवाओं का हुजूम, सहन आयात में कुछ तलख नवाओं का हजूम सबर के दरमिया में सबर के म्या में एक ते का है चैन सकूत सबर के म्यान में इक का बेचैन सुकूत जंग से भागी हुई जख्मी अनाओं का हजूम आपके बच्चों की तनहाई का गम करता है आपके बच्चों की तन्हाई का गम करता है हर खजाने में हर अज़ा खाने में रोती हुई माओं का हुजूम आपके बच्चों की तनहाई का गम करता है हर खजा खाने में रोती हुई माओं का हुजूम ऐसे बंदों से जिन्हें देख के रब याद आए ऐसे बंदों से जिन्हें देख के रब याद आए बंदगी चाहता था झूठे खुदाओं का हुजूम जेरे लब सरवर आलम जहां पढ़ते थे दरूद जेरे लब सरवर आलम जहां पढ़ते थे दुरूद उसी दहलीज पे गुस्ताख सदाओं का हुजूम बेनिशा कब्र पे एक दीप की हसरत लेकर बेनिशा कब्र पे एक दीप की हसरत लेकर अश्क बार आता है हर रोज हवाओं का हुजूम अश्क बार आता है हर रोज हवाओं का हुजूम अल-अमान हक्कुल यकीन में है शहे मरदा से ये लिखा यकीन यकीम है शहे मर्दां से ये लिखा फरमाते हैं अली के नहीं इसमें शक ज़रा ने जब गिराया था दर को बसद जफा एक ताजियाना बाजुए जहरा पे था लगा था इस जफा से शोरबुका बुका कायनात में खम पड़ गया था फातिमा जहरा की बात में खम पड़ गया था फ़ातिमा जहरा के हाथ में फरमाते हैं अली वली शाह लाफता। फरमाते हैं अली वली शाह लाफता। ता ज़िंदगी तो फातिमा का हाथ खम रहा पर गसल मैंने मैत जहरा को जब दिया पर परसल मैंने मैत जहरा को जब दिया चाह कि इस कजी को करूं हाथ से जुदा दिल तंग आखिर हो गया मुझ दिल मुलूल का सीधा हुआ न हाथ जनाबे बतूल का आखिर इसी तरह से रहा दस्ते पाक खम मैयत को फिर कफन भी पहनाया बच में नम ताबूत में जो लाश लिटाई बसद अलम तब आले मुस्तफा से ये बोले शहे उमाम कर लो विदा तुमसे विदाए बतूल है कर लो विदा तुमसे विदाए बतूल है ये आखिरी ज़ियारत बिनते रसूल है ये आखिरी जियारत बिनते रसूल है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब का ये कलाम था और जहरा के गम में गर खुदा अश्क बार थे जहरा के गम में शेर खुदा अश्क बार थे जैनब के बैन सुन के बहुत बेकरार थे मजलूम में रोज़गार शहे जुल्फ़कार थे खाना नशी इमाम सुलेमा वक़ार थे दिल रो रहा था मरियम सानी के वास्ते दिल रो रहा था मरियम सानी के वास्ते पैगम्बरे खुदा की निशानी के वास्ते खजरे रहे नजात मकामे था गोशा सिर जरे रहे नजात मकामे था गोशा शैर मसरूफ़ थे खराबिये इस्लाम में शरीर मातम सरा में था शहे लौलाख का वजीर इस दर की ज इस दर के जो फ़कीर थे वो बन गए अमीर बेरहमी सितम को शुजात समझते थे बिद को रूसिया इबादत समझते थे गुमराह थे अदूवे इमाम फलक पनाह गुमराह थे अदूवे इमाम फलक पनाह शर् रसूल के लिए जालिम थे संग राह मस्जिद का कुछ अदब था ना ताजीम खान का मस्जिद का कुछ अदब था ना ताजीम ख़ान का क्या बेहया थे मकरब ईमा खुदा गवा जिस मुँह से, से हक मिटाते थे जोजे बतूल का जिस मुँह से हक मिटाते थे जोजे बतूल का काजिब इसी से पढ़ते थे कलमा रसूल का काजिब इसी से पढ़ते थे कलमा रसूल का फ़रासत जैदपुरी साहब का ये कलाम था और बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हमने हदिया किया बीबी जहरा सलाम उल्ल कायन की वो मखदूमा है जिन्हें इस उम्मत ने ख़िम होने के बावजूद जुल्म का निशाना बनाया मजलिस इस्मत व तत तेरी सदर है कौन मजलिसमत तत हीर तेरी सदर है कौन परद वाहदत हक शान शबे कद्र है कौन मजलिस व ततहिरर तेरी सद्र है कौन पर वाहदत हक शान शब कद्र है कौन हुब हुब महबूब इलाही ने उजाला है किसे हुब्बे महबूब इलाही ने उजाला है किसे मिलके कुरान की आयत ने पाला है किसे सूरह दहर सुनाती है कहानी किसकी सूरह दहर सुनाती है कहानी किसकी हशर तक सूर कौसर है निशानी किसकी किसका दरचूम ने मात उतर आती हैं किसका नेमात उतर आती है किसके लब हिलते ही आयात उतर आती हैं बज में अरबाब किसास सजती है किस मंज़र से में अरबाब किसा सजती है किस मंजर से कुफु किस, किस जात का आता है खुदा के घर से किसकी नस्बत का शरफ आओ से आदत लिए है किसकी नस्बत का शरफ औोज सयादत लिए है कौन कदमों तले हसनैन की जन्नत लिए है किसके इरफान को इबादत का वज़ू कहते हैं किसके इरफान को इबादत का वज़ू कहते हैं किसके दुश्मन को नबी अपना उदू कहते हैं किसका चूम के अफ, का अफलाक बड़े होते हैं किसका चूम के अफलाक बड़े होते थे किसकी तज़ीम में सरकार खड़े होते थे जिसका चूम के अफलाक बड़े हो जाएं जिसका चूम के अफलाक बड़े हो जाएं, जिसकी ताज़ीम में सरकार खड़े हो जाएं, क्या सितम है कि उसी फातिमा तो जहरा को क्या सितम है कि उसी फातिमा तो जहरा को सैदा ताहिरा, सिद्दीका मासूमा को आप कहते हैं कि दरबार में कुछ वक्त लगा आप कहते हैं कि दरबार में कुछ वक्त लगा आपको इल्म है कुछ वक्त का मतलब क्या है यह जो कुछ वक्त है पैगाम अजल देता है ये जो कुछ वक्त है पैगाम अजल देता है नौजवानी को ज़यीफ़ी में बदल देता है नौजवानी को ज़यीफ़ी में बदल देता है ये सैयद उर्फी हाशमी साहब का लिखा हुआ कलाम था जो आपके खिदमत में पेश किया जहरा के पिसर आ भी जाए जहरा जहरा के पिसर आ भी जाए जहरा जहरा के दुश्मन पाए सजा जहरा के पिसर आ भी जाए जहरा के दुश्मन पाए सजा जहरा पे जुल्म है हद से सिवा दरवाज़ा जला रोज़ा भी गिरा क्यों बाल सफेद थे बीबी -बी के क्यों बाल सफ़ेद थे बीबी -बी के दरबार में ऐसा क्या था हुआ क्यों चुप है मुसलमान बोल जरा असलाफ ने तेरे क्या था किया मलओ लुटेरे हंसते रहे दरबार में बीबी रोती रही बाबा की सनद के टुकड़ों को दुख्तर ने कमर थाम में जो चुना शवाल की आठवीं तो बैत मामूर लरसता है शवाल की आठवीं आई तो बैते मामूर लरजता है जहरा कहे है, मरकद है बेसाया खूने गुमबद खिजरा भी रोया मातम है खाना -ए काबा में नोहे में मातम है खाना -ए काबा में नोहे हैं नबी की मस्जिद में पुरसा जहरा का देने को महदी ने बिछाया फर्श अज़ा सा देने को बिछाया नबी ने पर फर्श अजा अल्लाह अकबर बीबी तारा कैसा ये हशर बरपा हुआ मुस्तफा के बाद कैसा ये हशर बरपा हुआ मुस्तफा के बाद हाये दरे वतूल जला मुस्तफा के बाद उम्मत ने ढा दिया है मज़ार बतूल भी उम्मत ने ढा दिया है मजारे बतूल भी बेटी पे क्यों है इतनी जफा मुस्तफ़ा के बाद क्यों छीनते हो मुझसे विरासत का हक लई क्यों छीनते हो मुझसे विरासत का हक लई बिनते नबी ने रो के कहा मुस्तफ़ा के बाद जहरा को ताजिया ने भी मारे हैं हाय हाय जहरा को ताजियाने भी मारे हैं हाय हाय उम्मत ने ऐसे पुरसा दिया मुस्तफा के बाद रोती हैं अपने बाबा को वो बैत हुजन में रोती हैं अपने बाबा को वो बैत हुजन में यब में रोने भी ना दिया मुस्तफा के बाद दरबार में खड़ी हैं जो घंटे से फातिमा दरबार में खड़ी है जो घंटों से फातिमा ये आल को मिला है सिला मुस्तफा के बाद आंसू लहू के बहते थे जहरा के इस घड़ी आंसू लहू के बहते थे जहरा के इस घड़ी जैनब की जब भी देखी रिदा मुस्तफा के बाद अपने शिकस्ता पहलू को थामे हुए बतूल अपने शिकस्ता पहलू को थामे हुए बतूल मोहसिन पेरोई सुबह मसा मुस्तफा के बाद आसन फिदक भी छीना गया है बतूल से आसन फिदक फिदक भी छीना गया है बतूल से विरसा पिदर का भी ना मिला मुस्तफ़ा के बाद विरसा पिदर का भी ना मिला मुस्तफा के बाद सैयद आसन अब्बास काजमी साहब का लिखा हुआ कलाम मैंने आपके हजूर इलावत किया है जहरा को को रुलाने वालों तुम क्या कहोगे जहरा को को बुलाने रुलाने वालों तुम क्या कहोगे? दरबार नबी जादी बुलाने वालों को तुम क्या कहोगे जो थे मुबाहिला में मोहम्मद के भी गवाह जो थे मुबाहला में भी मोहम्मद के भी गवाह हसनैन जैसे सच्चों को झुटलाया बाखुदा सनद नबी के टुकड़े उड़ाने वालों को तुम क्या कहोगे से माह में ईफ़ा उसे उम्मत ने किया है से माह में ज़यफ़ा उसे उम्मत ने किया है ज़ालिम ने विरासत का भी हक छीन लिया है हक फातिमा ज़हरा का खाने वालों को तुम क्या कहोगे कौले नबी है इससे ही मेरा नसब चले कौले नबी है इससे ही मेरा नसब चले जिसने इसे सताया जहन्नुम में वो जले फरमाने नबी भूल ही जाने वालों को तुम क्या कहोगे टूटी हैं पसलियाँ ये बताओ तो किस तरह टूटी हैं पसलियाँ ये बताओ तो किस तरह मोसिन हुए शहीद बताओ तो किस तरह जलता हुआ दर इन पे गिराने वालों को तुम क्या कहोगे जो अजर रिसालत है किया अब ने दिया जो अजर रिसालत है क्या अब ने दिया बाद नबी मदीने में रहने ही क्या दिया हाय सैदा को ऐसे सताने वालों को तुम क्या कहोगे तुरबत में भी न चैन से रहने दिया उसे तुरबत में भी न चैन से रहने उसे दिया आले सऊद ने क्यों ऐसा जुल्म किया मरकद यूं फ़ातिमा का ढाने वालों को तुम क्या कहोगे इमरान के सवालों को अहसन है लिखा इमरान के सवालों को अहसन है लिखा बीबी का हर अदू तो है बस दुश्मन खुदा हैं लानती काफिर तो छुपाने वालों को तुम क्या कहोगे है लानती काफिर तो छुपाने वालों को तुम क्या कहोगे सैयद आसन अब्बास का लिखा हुआ ये कलाम था मकान दिल में प्रोग्राम का आखिरी वक्त है यकीनन अहले बसलाम का जिक्र जारी रहेगा हम हों तब भी जारी रहेगा हम ना हो तब भी जारी रहेगा हम हो तो जारी रहेगा इस माने में नहीं कि ज़िक्र हमारा मोहताज है बल्कि हम जिक्र के मोहताज हैं ये जिक्र हमारी शराफ़त को ज़ाहिर करता है और हमारी पाकिदगी को ज़ाहिर करता है हिंदुस्तान ने कमेंट्स लिखे उनके नाम मीर बलाख शेर सलाम बीबी जैन सलाम उल्ल अर्फ़िया तालपुर सलाम या मौला हुसैन आल्लाम मीर बला शेर सलाम मौला, सलाम मौला सलाम अली असगर अल्लाम अर्फिया तालपुर लब या मौला हुसैन आलाम अरफिया तालपुर अरफिया तालपुर और वसीम मिर्ज़ा और वसीम मिर्ज़ा साहब ने बैसीजें लिख कर भेजे प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है यकीनन हर चीज़ पायन याफ्तनी है हर चीज़ ख़त्म होने वाली है दुआ किया कीजिए इस दिन दुनिया में भी मरते वक्त भी मरने के बाद भी हमें विलायत सलाम नसीब रहे आएँ जिनके सबब से हम सांस ले रहे हैं जिनके के सबब से हमारी बका है और वही हमारे वारिस हैं उन्हीं के वजह से हमें दुश्मन नस्त नाबूद नहीं कर सकते आइए उनके जहूर की दुआ करें अल्लाजिले वली ये खलफरज